नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। शक्ति खुलने का संकेत सपने में ही होता है। कोई भी शक्ति हो सकती है, किसी भी प्रकार की शक्ति होती है। साधना सिद्धि पे जो लोग चलते हैं, मंत्र जाप करते हैं, यहाँ पे गुरु बना रखा है या गुरु नहीं बना रखा ये मायने नहीं रखता, कर्म और भाव मायने रखता है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जो साधना कर रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो, कर्म के अनुसार आपको किन किन चीज़ों के आदेश होते हैं, किस प्रकार से आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, सपनों में आपको क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, ये मायने रखती हैं। अब बात करते हैं शक्ति खुलने का संकेत क्या होता है, कब शक्ति खुलती है, कैसे शक्ति खुलती है, क्या सपने में दिख सकता है। लेकिन उससे पहले मेरा नया चैनल है गुरु गोठना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब बात करते हैं शक्ति शक्ति खुलने से पहले कई प्रकार के आप लोगों को अनुभव होते हैं, जिनमें से एक अनुभव होता है जब किसी व्यक्ति की शक्ति खुलती है तो उस व्यक्ति को सपने में विभिन्न प्रकार के दैविक शक्तियों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से शिवलिंग के दर्शन होना, देवी देवताओं की फोटो तस्वीरें दिखाई देना, ठीक है, सपने में कई प्रकार की शक्तियां महसूस करना और सोते हुए झटके पड़ना, ये सारे संकेत जो है ये दर्शाते हैं कि आपके ऊपर देवता की कृपा हो चुकी है। इस कंडीशन में ये मायने नहीं रखता आपने गुरु ध्यान कर रखा है या आपने गुरु ध्यान नहीं कर रखा है, क्योंकि अगर आप बिना गुरु वाले हो या आपने गुरु ध्यान कर रखा है तो भी आपके ऊपर जो है प्रभु की परमात्मा की कृपा होती है, तो भी आपके ऊपर प्रभु परमात्मा की कृपा होती है, क्योंकि ये आपकी सद्भावना के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी भावना अच्छी है, आप कर्म अच्छे से कर रहे हो, कर्म को अच्छे से निभा रहे हो, तो 100% आपकी जो मनोकामना वो पूर्ण होगी। अगर कोई भी साधना के दौरान आप नियमों का पालना नहीं करते हो, आपके नियम पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं और आप किसी अन्य प्रकार की साधना सिद्धि कर रहे हो, साधना के दौरान अगर नियम और गुरु नियमों की उल्लंघना कर देते हो तो आप साधना में सफल नहीं हो पाते हो। हालांकि जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे हैं उन लोगों से भी एक निवेदन रहता है कि अपने अनुभव किसी व्यक्ति के साथ ऐसे साझे नहीं करने। ऐसा करने से आपकी शक्ति जो है वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती है। शक्ति तब कार्य करती है जब आप नियमों की पालना करते हो। नियम आपके तब कार्य करते हैं जब आप की भावना सही होती है। मंत्र जाप साधना सिद्धि तब काम करती है जब आप देवता के दिए हुए नियमों की पालना करते हो। नियम तोड़ोगे तो सफलता प्राप्त नहीं होती है। सारी शक्तियों के खुलने के संकेत स्वप्न के माध्यम से होते हैं। लाइव चैट में आपको उत्तर मिल जाएंगे आदेश आदेश।